किया जो कि हूँ मेरा क्योंकि बनता है 9,000 यूरो। मैंने जेब से 12,000 यूरो लगाए, 9,000 यूरो मेरे पास वापस आ गए प्रॉफिट्स की सूरत में। 8 महीने के बाद मैं उस एसेट को वैल्यूएशन पे लगाता हूँ जो कि बनेगा 1,500 एवरेज नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 20। 20 क्या है? वो मेरे मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक्स वैल्यू होती है, 20x। 20x का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो 1,500 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा 30,000 यूरो बन जाएगा। ठीक है, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20 30,000 यूरो। 9,000 नेट प्रॉफिट मैं पहले ही कमा चुका हूँ। 39,000 यूरो मैं 8 महीने बाद इस एसेट को बेच के कमा लूंगा। मेरा आरओआई क्या हुआ? ये मेरा सवाल है आपसे। ऐसे सवाल मैं आपको असेसमेंट में पूछ सकता हूं, ऐसे सवाल मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दे सकता हूं। तो मुझे बेसिक मैथ्स है, मुझे आरओआई बताएं कि 8 महीने के बाद मेरा आरओआई इस मॉडल को रन करने में क्या होगा। मैं एक इन्वेस्टर को बताना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो आप मेरी जगह हैं और आप अपने इन्वेस्टर को ये बताना चाहते हैं कि मैंने एक एक्स वाई जी ब्रांड रन किया और उसको मैंने 8 महीने चला के बेच दिया 20 मल्टीपल्स की वैल्यू पे। 12,000 यूरो मेरी जेब से लगा था, $9,000 का मैंने नेट प्रॉफिट कमाया उसमें 6 महीने में, और टोटल मैंने उसको 20 टाइम्स की वैल्यू पे बेच के 30,000 यूरो कमा लिया। 30,000 यूरो प्लस 9,000 का प्रॉफिट, 39,000 यूरो मैंने उस ब्रांड में 8 महीने में कमा लिया 12,000 यूरो लगा के। मेरा आरओआई क्या हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज क्या हुई? कोई बताएगा मुझे ये?